कैसा लगेगा आज बहन तेरे को छोड़ के चली जाएगी। दुख हो रहा है दुख हो रहा है चाला, दुख दिख रहा है तेरा, दुख हो रहा है बल। ओके दोस्तों आ चुका हूँ मैं, और ये देखो आगे अनुश्री भी। अरे तूने साड़ी पहना है? ओके गाइस वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग ना कुछ गलत टाइमिंग से शुरू हो रहा है, ऑलमोस्ट सुबह हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अनुश्री को लाने के लिए। क्यों? हम लोग जा रहे हैं एक शादी में, सब लोग, हमारे एक फ्रेंड की शादी है, तो मैं, अनुश्री, प्रीतेश भैया, राहुल, ये सब लोग जाएंगे उस शादी में और मजे करेंगे। तो अभी पहले अनुश्री को ले आते क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना है, ठीक है, एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में, है ना प्रीतेश भैया? चले, नींद आ रही है, चलो फिर ड्राइव भी करना है तो आकर के सोना भी है फिर, ठीक है। तो सुबह सुबह ही निकलेंगे, तो अभी सबसे पहले तो अनुश्री को ले आते हैं, उसके बाद निकलते हैं शादी में। भाई देखो मजा आएगा तुम्हें, गढ़वाली शादी दिखाते हैं। ओके गाइस मैं आ गया अनुश्री को लेने के लिए। तो सो गई थी? हाँ। क्यों? रात के 12 बजे आएगा तो सोएगा नहीं इंसान। सो गई थी। एंड ये क्या लेके आई है मेरे लिए? कुछ गिफ्ट लेके आई है अनुश्री अभी। क्या है ये? अरे ज़ारा, ज़ारा भाई कितने पैसे आ रहे हैं इसके पास भाई। दोनों कैसे चिल्लाए ज़ारा? बहुत ज़ारा के थैले रखे हुए तुम्हारे इसमें? ये ज़ारा के थैले क्यों रखा? मैंने शॉपिंग करी है अपन के। भाई कसम से बहुत प्यारा सेट है यार, कितने का हुआ? ऐसे कौन बताता है यार कि कितने का हुआ, गिफ्ट है भैया, गिफ्ट को गिफ्ट रहने। हाँ, सही। चलो ठीक है। तो दोस्तों मैंने पैकिंग वैकिंग कर ली है मस्त करके, अभी हम लोग निकल रहे हैं। लेट हो गए बहुत ज्यादा, 11 बजे निकल रहे हैं, निकलना था सुबह के 4-5 बजे। चले, तूने ब्रश रखा? क्या ब्रश रखा? ब्रश हाँ सब रख लिया, अब चलते हैं सीधा। प्रीतेश भैया इतने हरामी है ना, जैसे ही मैंने बोला कि यार मैं नहीं जा रहा, इतना लेट हो गया, आपने उठाया भी नहीं। ये 1 घंटे से उठ के घूम रहे थे, ठीक है, किसी को उठाया नहीं। जैसे ही बोला कि नहीं जा रहा नहीं जा रहा, ये कम्बल में हीटर लगाया फिर बैठ गए। इनको कोई मतलब ही नहीं, जाओ ना जाओ। ओके दोस्तों फाइनली हम लोग निकल गए, ठीक है, अभी 12:30 बज गए और अब भी जाकर के हम लोग मतलब थोड़ी दूर आए हैं और निकल गए फाइनली, ठीक है। और अनुश्री आप क्या कर रही है? और अनुश्री यहाँ पे फिर से काम में बिजी। इतना काम क्यों करना यार, थोड़ा तो अपने नाजुक से हाथों को आराम दो। मजदूर के हाथ काम तो राहुल भी कर रहा है, पर वही है, लड़की का काम दिख रहा है तुम्हें, है अपने दोस्त का काम नहीं दिख रहा है। काम करना काम नहीं होता, सही बात, वही काम तो प्रीतेश भैया भी कर रहे हैं। चलो भाई निकल गए शादी के लिए, आज मजा आएगा, आज ही शादी है और हम लोग अभी निकल रहे हैं, शाम के एकदम डायरेक्ट शादी में पहुंचेंगे, ठीक है, मजा आने वाला है शादी में। चलो भाई ब्लॉग में बने रहो। दोस्तों थोड़ी देर गाड़ी रुकी तो राहुल मस्त चिप्स छुप्स भर के ले आया, और भाई मैं ये घर से घोड़े का मास्क लेके आया था, रास्ते में लोगों को डराऊंगा इसको पहन के, वैसे बिना पहने भी डर जाते हैं। ओके दोस्तों हम लोग कोटद्वार पहुंच गए हैं, ठीक है, तो अनुश्री को छोड़ देते हैं, हाँ प्लीज, इसके घर पे, और ये तैयार व्यार होके आएगी, इसके बाद हम जाएंगे प्रीतेश भैया के घर पे और हम लोग तैयार व्यार हो जाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे शादी में, ठीक है। हाँ ठीक है। फाइनली पहुंच गया दोस्तों, यहाँ पहुंच के समोसे खा रहे हैं मस्त, उसके बाद जाएंगे शादी। एंड आज नाटू भाई की बहन की शादी है तो इसमें आए हम। भाई मैंने कपड़े ले लिए, मैं कभी कपड़े नहीं लेके आता, हर बार मेरे कपड़े सारे छूट जाते हैं, तो इस बार मैंने ये ले लिए, ये बढ़िया लग रहा है। ओके दोस्तों मैं हो चुका हूँ तैयार और सब लोग भी आ चुके हैं, ठीक है, तो अभी चलते हैं सीधा शादी में। अनुश्री भी आ गई है, प्रीतेश भी आ गए थे अनुश्री को गाड़ी लेके लाने के लिए, फिर अनुश्री भी आ गई, मैं भी आ गया, चलते हैं। ओके दोस्तों आ चुका हूँ मैं, और ये देखो आगे अनुश्री भी। अरे तूने साड़ी पहना है? साड़ी नहीं पहना, सूट पहना है। अच्छा। एक तेरी हाई नेक थोड़ा नीचे करना। अच्छी लग रही है? हाँ, कैसा, सही लग रहा, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। पता है मैं ब्लैक कलर का लेने वाला था। अब ठीक है, अब ठीक है, ये ऐसे, हाँ ये ठीक है, पक्का? हाँ, हाँ, पक्का पक्का, अनुश्री ने बोल दिया तो अप्रूवल। मॉडल को देखो ना, तू भी तो लग मॉडल से कम नहीं लग रही। ओके एंड और भाटी अभी अभी तैयार होके आ चुके हैं, क्या मस्त लग रहे यार आप तो, आज कोई सबसे सुंदर लग रहा है तो भाई। तो हम दोनों की जोड़ी, हम दोनों की जोड़ी भाई, कमेंट कर दो भाई बहन की जोड़ी, भाई बहन की जोड़ी। ओके दोस्तों हम लोग आ चुके हैं शादी में, ठीक है, इसको घर जाना है, घर जाना है। मैं तो खा के जा रही हूँ, बस खा के जा रही है, बस इतना तैयार हो गए, खा के चली जाएगी। एक बार राहुल की एंट्री देख लो भाई। अनुश्री बढ़िया बढ़िया चीज़ ला रही है ढूंढ ढूंढ के खाने के लिए ना, ये मस्त करके मैक्रोनी ले आई, उधर फ्राइज ले आए, सही है यार भाई। सबसे पहले ये दोनों खाने में लग गए भाई, बिजी हो गए, क्या है शादी में खाने तो आते हैं, पहले तो पेट पूजा हो गए, सही बात है भैया। इधर देखना, इधर देखना शादी में तो। अरे यार क्या लग रही है यार। भाई मैं अभी खाऊंगा आराम से 10-11 बजे, आज अभी अनुश्री को घर जाना है तो इसलिए खा लिया। प्रीतेश भैया अपने ड्यूटी पे लग गए अकेले, आ गए प्रीतेश भैया फॉर्म में, फुल फोकस है प्रीतेश भैया पे, मस्त खा पी लिया दोस्तों, अब इसको घर जाना है। क्यों जाना है तेरे को घर? लेट हो गया है, 10:30 बजे घर जाना है, सुबह उठना है ऑफिस से। मैं तो यहीं रहूंगा,
मैं तो यही हूँ अभी रात भर, और ये जा रही है, छोड़ देते हैं इसको घर। हमारी गाड़ी तो कहीं और चली गई है, कोई लेके चला गया, तो हम इस गाड़ी से जा रहे हैं। मेरा शॉल है तुम्हारी गाड़ी में, मेरे को मेरा शॉल वापस करो। अब कल ले लेना, पता नहीं कहाँ है गाड़ी। चलो भाई, क्या सितारे गिरे हुए हैं यहाँ इस गाड़ी में। अरे भाई झुमके, इस गाड़ी में दुल्हन बैठी थी ना। अच्छा, इस गाड़ी में दुल्हन बैठी थी, तो दुल्हन के मेकअप गिरे हुए हैं। चलो अनुश्री, अब कल हम लोग को दिल्ली भी वापस जाना है। मैं तो आज मजे करने वाला हूँ यहाँ पे फुल रात। मैं भी बहुत मजे करने वाली हूँ, सो के सोऊंगी ना यार। चलो, इसके ही घर पे था, इनके घर के पास में ही शादी थी। एक्चुअली मेरे दोस्त की बहन की शादी थी, तो उसमें आए थे। तो चलो इसको छोड़ देते, बाकी हम मजे करते हैं और कल मिलेंगे तुमसे सीधा, ठीक है, जाने के लिए दिल्ली वापस। राहुल भाई क्या लग रहा है, कसम से राहुल जो लग रहा है भाई, राहुल लग रहा है यार, मैं क्या बार बार भूल जाता हूँ। तो दुल्हन का एंट्री हो चुका है, अर्पण, अर्पण की बहन है ये। कैसा लग रहा है भाई? कैसा लगेगा आज बहन तेरे को छोड़ के चली जाएगी? दुख हो रहा है। दुख हो रहा है, चाला दुख दिख रहा है तेरे, दुख हो रहा है। हाँ, ये अनुपम मित्तल सर बिजी हैं अपने वर्क में। क्या लग रहे हैं दोनों, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के लिए बने हैं। बोल दूंगा। क्या बोल रहे हो? शेर, शेर, शेर। फाइनली दोस्तों हम लोग घर आ चुके हैं शादी वादी से, रात के अभी 2 बज गए हैं एक्चुअली। और प्रतीत भैया, कपड़ा आपने क्यों नहीं चेंज करा? एनिमल लग रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने पूरा कपड़ा चेंज कर लिया, अभी हम लोग हैं अर्पण के घर पे, ठीक है। और आज रात यहीं बिताएंगे और हम सीधा कल सुबह दिल्ली जाएंगे, क्योंकि परसों जो होने वाला है वो तुम देखते रह जाओगे परसों, क्योंकि बहुत ही बढ़िया व्लॉग एंड बहुत ही एक सरप्राइज मिलेगा तुम लोगों को, एक सरप्राइज देखने को मिलेगा कि आखिर क्या हो रहा है। तुम लोग जरूर खुश हो जाओगे, ठीक है। परसों का व्लॉग जो देखोगे ना, तो कुछ अलग ही होने वाला है, ठीक है। वो मैं नहीं बताऊंगा, गेस करो क्या होगा, क्या करने वाले हैं हम लोग, कुछ अलग चीज करने वाले हैं। ये आ गई दोस्तों अनुश्री, चाय पानी की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, क्या बोलती है, बोल क्या रही है, किसका रास्ता बन भाई। घर तो एकदम धांसू है यार इस लड़की का, अमीरों का खानदान से है ये तो, ये देख रहे हो एकदम पियो पियो पी। अभी बैठक बैठक के लिए इसने अभी करवाना है कुछ। आंटी जी तो एकदम मस्त रोशो गुलाब जामुन, गुलो गुलाब जामुन। हम तो इसीलिए जाते हैं सबके घर पे ताकि हमें कुछ खाने को मिले। ओके दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं भाई, सुबह से सोचे थे निकलते हैं और सुबह से सोचते सोचते शाम के 4 बज गए हैं, ठीक है। आज पूरी गाड़ी पैक होके जा रही है, सब पारिवारिक माहौल है, फुल एकदम पारिवारिक माहौल है, पूरा गाड़ी पैक, परिवार साथ है, अनुश्री बीच में, संतोष शर्मा रहा है। फिर वो कुछ बोलता नहीं है, तुम बोलोगे ब्लॉग में आकर के कमेंट करोगे कि मोंग से लड़ाई हो गई क्या, मोंग कहाँ है, मोंग कहाँ है। वो कुछ बोलता क्यों नहीं है आजकल, मोंग को डॉक्टर ने कहा है थोड़ा कम बोलने के लिए। मोंग व्रत है, मोंग व्रत है, मोंग व्रत, तो इसलिए। बाकी चलो भाई चलते हैं, बाकी कल का जो व्लॉग आने वाला है कुछ स्पेशल होने वाला है, हम लोग कहीं और जा रहे हैं, क्या होने वाला है वो सब तुम्हें कल पता चलेगा, मिस मत करना भाई। आज तुम मिस कर दो भले ये व्लॉग, बट कल वाला मिस मत करना, ठीक है। चलो फक भाई, हाईवे पे, एकदम हाईवे पे गाड़ी का टायर पंचर हो गया। कैसे पंचर होता है यार, निकल जाता है ये वाला टायर, दिखाएंगे उससे जाकर के। ट्यूबलेस में तो ये होना चाहिए ना कि थोड़ी धीरे धीरे निकलेगा पंचर भी है। भाई कोई नहीं खुल रहा यार, सारे जाम हो रखे हैं, लगा दम लगा खड़े हो जा। ये मजे कर रही है यहाँ पे, बहुत देर से फंसे हुए थे, अभी भैया आए हैं, हमने बुलाया इनको और अब जा करके ये आए हैं। लगभग 15-20 मिनट हो गया हाईवे पे खड़े हैं और डर लग रहा है थोड़ा सा, इसलिए बाकी लेके तो आ गए हैं, अब देखते हैं यहाँ लग जाएगा पंचर तो सही है। फाइनली भाई लग गई है, भैया जा रहे हैं, अब स्टेपनी लग गई है। ओके दोस्तों फाइनली पहुंच गया घर पे, आई होप तुम्हें आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो पे कर दो गया कुछ लाइक एंड प्लीज 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो हमारे चैनल पे, हम बहुत ज्यादा करीब हैं। बाकी कल का व्लॉग का वेट करो, मिलते तुमसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, मिलते अगले व्लॉग में। क्या था, मेरे को नहीं पता क्या था वो, उसका नाम क्या था, मेरे को क्या पता, वो जो बोलता है कि गजब बेइज्जती है यार, चेयर ले जाने के लिए। हाँ वही 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 चेयर, चेयर के लिए। तू भी मेरे मुंह में सटा क्यों देता है कैमरा? अबे भाई 0.5